अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैज़ा वसीम। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका आप कह लो टॉपिक का नाम है 4 P's। जब बात आती है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो वहाँ पर हमारे पास 4 P's का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। और वो 4 P's कौन कौन से हैं? प्रोसेस, पीपल, प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट। ये 4 P's हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर यूज़ किए जाते हैं, या आप कह लो कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर यूज़ किए जाते हैं। अब इन 4 P's का कंसेप्ट क्या है और इनका मीनिंग क्या है, वो हम आज के इस वीडियो में कवर करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं वन बाय वन करके। 4 P's की हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक डायग्राम हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ये देखें कि हमारे पास पहला P है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है कि हमारे पास कौन सा प्रोसेस मॉडल हम अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास कोई क्लाइंट आया है जिसको कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करवाना है, ठीक है। अब वो चाह रहा है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर बिल्ड करवाना है। आपके क्लाइंट ने आपको बता दिया कि मुझे ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बिल्ड करवाना है, ठीक है। तो ये क्या है? आपका एक प्रोजेक्ट है। ये आपका एक प्रोजेक्ट है जो कि आपके क्लाइंट ने आपके हैंड ओवर किया है। अब लास्ट में सी बात है, आपने इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस मॉडल यूज़ करना होता है, ठीक है। आपने अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस मॉडल यूज़ करना होता है ताकि आप अपने सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कर सको। फाइन, ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पर पीपल क्या है? पीपल बेसिकली वो सब स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे लोग हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होंगे, जो कि आपके प्रोजेक्ट के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। आइदर उसकी डिज़ाइनिंग के लिए वो कुछ काम करेंगे, वो उसकी डेवलपमेंट में कुछ काम करेंगे, उसके टेस्टिंग फेज में कुछ काम करेंगे, या फिर उसकी क्वालिटी अश्योरेंस फेज के अंदर कुछ काम करेंगे। तो वो आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो सकते हैं, वो कोई ट्रेनिंग टीम हो सकती है, वो कोई भी स्टेक होल्डर, ऐसा कोई भी बंदा जो कि आपके प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है, वो पीपल के आप कह लो कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। हमने बात कर ली प्रोसेस, हमने बात कर ली पीपल्स। प्रोसेस वो हैं जो कि आप अपने प्रोजेक्ट की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हो, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ आप इनको कह सकते हो, ठीक है। और पीपल वो हैं, वो स्टेक होल्डर्स जो कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, नाउ बात आती है प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट इट्सेल्फ क्या है? प्रोजेक्ट इज़ द मैनेजमेंट एंड द मॉनिटरिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स जो कि आपको कस्टमर ने प्रोवाइड किया है। आपके कस्टमर ने कहा है कि ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, तो मुझे इस टाइप का प्रोजेक्ट बिल्ड करके दो, ठीक है। जो भी आपका आप कह लो या आपका टास्क है, आपको मैनेज करना है, आपको मॉनिटर करना है, वो आपका प्रोजेक्ट है। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? अगर हम यहाँ पर फाइनल P की बात करें, दैट इज़ द प्रोडक्ट, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप अपने कस्टमर से कोई भी प्रोजेक्ट लेकर उसकी सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर देते हो, कंप्लीट कर देते हो, और जो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आता है, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आया है, या आप कह लो कि फाइनल जो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हुआ है, वो कहलाता है हमारा प्रोडक्ट, जिसमें हमारे पास सेट ऑफ आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप टेस्ट कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ 4 P's हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर यूज़ होते हैं, या आप ये कह लो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ये 4 P's इन्वॉल्व होते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। आप इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इसी टाइप की वीडियोज़ के लिए आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।